नमस्कार किसान बंधु, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। किसान बंधु, बहुत सारा कमेंट आने के बाद हमें लगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत आवश्यक है। जैसा कि किसान बंधु जान रहे हैं कि गेहूं का फसल तैयार होने को है, गेहूं पकने के लिए तैयार है और हम लोग थ्रेशरिंग के लिए अब आगे बढ़ेंगे। किसान बंधु, अनेक कमेंट आया किसान बंधु का कि हम लोगों को कैसे पहचानना है ओरिजिनल मनकू थ्रेशर, और मनकू थ्रेशर लेने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का हम लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे किसान बंधु कि अगर आप मनकू थ्रेशर लेने जा रहे हैं तो किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए और किस किस किन किन चीज़ों का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में किसान बंधु मार्केट में अनेक प्रकार का थ्रेशर आपको मिलते हैं। फर्क इतना है कि 10,000 कम 10,000 ज़्यादा। किसान बंधु, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी थ्रेशर लें एक अच्छी कंपनी का लें। किसान बंधु, मनकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपने क्वालिटी के बारे में विशेष ख्याल रखती है। किसान बंधु, जैसा कि जान रहे हैं, मनकू अपना क्वालिटी बेस्ट देती है, प्रोडक्ट बेस्ट देती है। सबसे पहली चीज, अगर किसान बंधु आप थ्रेशर लेने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज ISO मार्क और लाइसेंस नंबर जरूर देखें थ्रेशर में इस प्रकार से लगा हुआ है या नहीं। बहुत सारे वीडियो आपको YouTube पर मिलेंगे, भ्रमित करेंगे और गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन किसान बंधु जिनको मनकू प्रोडक्ट से ही है प्यार, वही इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें मनकू नहीं लेना है, कोई बात नहीं, आपको जो भी थ्रेशर लेना है आप मार्केट में जाके स्वेच्छा से ले सकते हैं। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ किसान बंधु को नॉलेज के रूप में वीडियो परोस रहा हूँ। किसान बंधु, हर एक प्रकार का थ्रेशर आप देखे होंगे मार्केट में, हर क्वालिटी का आपको थ्रेशर मिल जाएगा, लेकिन जो मनकू में चदरे की क्वालिटी, लोहे की क्वालिटी और इसकी बनावट की क्वालिटी, बेल्ट की क्वालिटी, पंखे की क्वालिटी, मोटर की क्वालिटी, धुरे की क्वालिटी, वायरिंग की क्वालिटी है, वो क्वालिटी आज तक किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। मनकू थ्रेशर मैं इसलिए लेने आपको बोलता हूँ किसान बंधु, क्योंकि मैं पिछले 2018 से मनकू का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और मुझे बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। आज तक मैंने किसी भी प्रकार का एक पैसा भी अपने थ्रेशर में खर्च नहीं किया और मेरा थ्रेशर अभी भी न्यू कंडीशन में चल रही है। और हमारे साथ ही कुछ किसान बंधु थे जो कि गलत प्रोडक्ट ले लिए थे, उनका आज बुरा हाल है। कभी फैन टूटता है, कभी बेल्ट टूटता है, कभी बैरिंग टूटता है, कभी धूरे टेढ़े हो जाते हैं, कभी ब्लेड टूटते हैं, कभी गणसे टूटते हैं। मनकू में आज तक मुझे इस प्रकार का कोई भी शिकायत नहीं मिला, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप भी मनकू थ्रेशर लें और खर्च से दूर हटें।
किसान बंधु, जैसा कि देख रहे हैं कि मनकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक अलग नाम, अलग ब्रांड, अलग पहचान बना चुका है। किसान बंधु, जब भी आप थ्रेसर लेने जाएं, तो आप अपने आंख से प्रोडक्ट पर जरूर देखें कि इस प्रकार का ISO मार्क, होल मार्क जरूर होना चाहिए और विशेष रूप से प्रोडक्ट मनकू द्वारा सर्टिफिकेशन हो। और विशेष ध्यान दें आप लोग किसान बंधु कि हम लोगों को पंजाब वाली सुपर डिलक्स लेना है। मनकू अपना प्रोडक्ट और भी बनाती है जो कि दुर्गापुर में बनाती है, तो उस प्रोडक्ट को मैं यूज नहीं किया हूँ, इसलिए उस प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो मैं पंजाब वाली थ्रेसर अभी यूज कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं एक बेटर मनकू माना जाता है दोस्तों। ना सरसों फेंकने की, ना मसूर काटने की, ना चना फोड़ने की, ना अरहर तोड़ने की, ना गेहूं तोड़ने का अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं। मनकू में एक विशेष चीज है किसान बंधु कि भूसे में आज तक मैंने अनाज नहीं देखा। मैं अत्यधिक RPM पर भी अगर थ्रेसर चला देता हूँ तो उसमें भी मुझे कहीं भी नहीं दिखता है कि सरसों, चना, फिर उसके बाद आपको दलहन जितना भी होता है, मटर, मसूर, राई, गेहूँ, आज तक मुझे शिकायत नहीं मिला। इसलिए किसान बंधु, जब भी ले मनकू प्रोडक्ट लेने का कोशिश करें और ISO मार्क देखकर ही लें। और देखिए, इसका क्वालिटी सबसे बेस्ट है। मनकू थ्रेसर की चदरा, लोहा, ब्लेड, फेहा, बेल्ट इत्यादि कहीं ना कहीं सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए मैं किसान बंधु को सलाह देता हूँ कि आप मनकू प्रोडक्ट को खरीदें और एक बार मनकू के साथ जुड़ जाएंगे तो कोई और कंपनी के साथ आपको जुड़ने का मन नहीं करेगा। मार्केट में आए दिन अनेक प्रकार का थ्रेसर आता है, अनेक प्रकार का क्वालिटी भी दिखाता है। जब आप उससे काम करने जाते हैं तब पता चलता है कि क्या अंतर है मनकू थ्रेसर में और अदर थ्रेसर में। किसान बंधु, आप लोगों ने हमारे वीडियो पर बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं, हमेशा इसी तरह प्यार आशीर्वाद देते रहें और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी तरह का मुझसे गलती बोला गया हो उसे माफ़ करें और कमेंट में अपना सुझाव दें। जो लोग मनकू प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना मनकू थ्रेसर का एक छोटा सा वीडियो बनाकर मेरे इस ईमेल ID पर भेजें ताकि मैं सभी ग्राहक को दिखा सकूं मनकू का क्वालिटी। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए राजू ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो किसान बंधु आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय किसान, जय भगवान।